राजस्थान प्रदेश में हमारे सभी वंचित समाज के लोगों ने एक तरह मत देकर के सरकार बनाई थी। हम सरकार बनाने और मिटाने दोनों का मादा रखते हैं, परंतु राजस्थान प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक महिला विधायक के साथ में जिस प्रकार से श्रेयाम अन्याय हुआ, और अभी विगत दिनों कलेक्टर और मिनिस्टर की मौजूदगी में जिस प्रकार से एक माननीय विधायक ने अपमानजनक शब्द सरयाम कहे, जिसे मानसिकता दर्शाती है, इसलिए महिला विधायक होकर के महिला मुख्यमंत्री होने के नाते हम मांग करते हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को और नीतीश अमित शाह जी को पत्र लिख करके डिमांड की कि ऐसे विधायक, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जो ऐसी मानसिकता रखता हो, सरयाम जलील करने की बात करता हो, उसे पार्टियों से निलंबित करके, और वहाँ कोई अधिकार और हक नहीं है। और हम ये भी फैसला किया है कि हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, परंतु क्योंकि दलित विधायक और विधायक का मान सम्मान स्वाभिमान के साथ रहना जीना हकूक की बात है। अगर एक विधायक के साथ में ऐसी घटनाएं होती है तो आम आदमी के साथ क्या घटना होगी, ये एक निंदनीय बात है।